हेलो हेलो ओके तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन। सर, रोटेशनल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने वर्क पर एनर्जी और लॉज ऑफ मोशन में किया था। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ। और रोटेशनल मोशन के अंदर सबसे पहली चीज़ ये समझ में आनी चाहिए, अब मैं सेंटर ऑफ मास नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ सेंटर ऑफ मास की जरूरत तो नहीं है। सेंटर ऑफ मास तो m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी करोगे तब भी इजी है, उसके मुश्किल नहीं है। सो रोटेशनल मोशन यहाँ से स्टार्ट है कि दो तरीके की मोशंस, फर्स्ट लीनियर, सेकंड रोटेशनल। ठीक, नंबर टू, रोटेशनल मोशन के अंदर लीनियर मोशन की तरह ही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में सीधी होती है x, रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखी जाती है, बाय एन एंगल थीटा। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, इसमें वेलोसिटी v, लीनियर वेलोसिटी v कैन बी रिटन एज dx बाय dt। इसके अंदर d थीटा बाय dt और इसकी रेशियो को क्या लिखा जाएगा, ओमेगा। तो v इज dx बाय dt और यहां से ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाय dt। ये सबको समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इज डी वी बाय डी टी और यहां पर एक्सेलरेशन a की जगह अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट, इसमें फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके अंदर फोर्स नहीं, इसके अंदर घुमाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, टॉर्क। तो फोर्स की जगह टॉर्क, उसमें एनर्शिया, इसमें मोमेंट ऑफ एनर्शिया, मोमेंट ऑफ एनर्शिया m की जगह i और a की जगह अल्फा। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप सबको क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, इसमें फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, इसमें फोर्स की जगह टॉर्क इज डी बाय डी टी ऑफ P की जगह L, एंगुलर मोमेंटम। तो जो काम उसमें लीनियर मोमेंटम करता है वो काम इसमें एंगुलर मोमेंटम करता है। ये फॉर्मूलाज क्लियर? कोई डाउट इनमें? और इसमें P क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इसमें P की जगह L इज इक्वल टू I इनटू ओमेगा। एनी डाउट? ठीक, तो बेसिक फॉर्मूला सबको क्लियर है? ठीक। और नेक्स्ट, इसके अंदर जो और दो बचे हुए फॉर्मूलाज हैं वो भी बता देता हूँ, सो दैट फॉर्मूलाज का काम ही ख़त्म हो जाए। और टॉर्क, टॉर्क के दो फॉर्मूलाज, एक आई इंटू एल्फा, ये हमने अभी देखा एल्फा की फॉर्म में, और दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला कि अगर मैं यहाँ पर फोर्स एफ लगाता हूँ और लेट अस सपोज ये आर वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है, फाई, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू आर एफ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज फाई, तो आर एफ साइन फाई। क्लियर यहां तक? तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यही फॉर्मूला सबको क्लियर है? और लास्ट, एंगुलर मोमेंटम एल या तो लिखो आई ओमेगा या फिर एक और फॉर्मूला है एल का, वो क्या, आर पी साइन फाई, मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है। तो जिस मान लो टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ है तो टेंजेंशियल मोमेंटम भी इस तरफ है, और लेट अस सपोज इनके बीच में एंगल फाई, तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन फाई। तो ये फॉर्मूला सबको याद हो गए? क्लियर है यहाँ तक? ठीक, बस मुझे लगता है कि इसके अलावा बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज नहीं होते। ठीक, अब थ्योरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स से हमें स्टार्ट करना चाहिए, एक बार इसको रिव्यू करते हैं। क्योंकि रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम पता है क्या है, टीचर आता है एक टॉपिक लिखता है, करते करते 15 मिनट, फिर दूसरा टॉपिक 15 मिनट, तीसरा 15 मिनट, करते करते 15 टॉपिक हैं। जितनी देर में तो वो टॉपिक समझ में आते हैं तब तक तो न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है, और इतनी बड़ी थ्योरी है कि वो इकट्ठी करनी बहुत मुश्किल है। मैं रिवर्स उल्टा काम कर रहा हूँ, मैं आपको सारे फॉर्मूलाज पहले दिखा रहा हूँ और फिर इनकी एप्लीकेशंस इकट्ठे दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक, सो नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। अब नेक्स्ट, अगर आप थ्योरी की बात करते हो
थ्योरी में मेन मेन टॉपिक्स जो आपको आने चाहिए, सबसे पहली चीज़, कई स्कूल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन नहीं करवाती। कितने लोग हैं जिनको नहीं करवाया? नहीं करवाया। कितने लोग हैं जिनको करवाया है? करवाया है। ओके, सारी बॉडीज करवाई हैं कि मेन मेन करवाई हैं? अच्छा, रिंग करवाई है, डिस्क और रॉड। ओके, तीन बॉडीज़ करवाई हैं। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि तीन बॉडीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे भी जिनको तीन आ जाती हैं उनको बाकी दो भी आई जाती हैं। तो मेन मेन टॉपिक्स अगर हम ध्यान से इसको देखें तो पहला टॉपिक टॉर्क की डेरिवेशन है। अगर मैं 2 मिनट थ्योरी को इवेल्युएट करूँ कि थ्योरी में क्या क्या करना है आपने रोटेशनल में, आपको समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक्स मेरे को आने चाहिए, तब मेरे को रोटेशनल आएगा। पहला टॉपिक, टू प्रूफ टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई। याद है वो टॉर्क की बड़ी सी डेरिवेशन थी एक, तो टू प्रूव टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई। कितने लोगों के स्कूल में करवाई है ये? एक, दो, तीन। काफ़ी 99 या 98% स्कूल में ये नहीं करवाते वैसे। एनसीईआरटी के अंदर भी रादर ये गिवन नहीं है इसका प्रूफ इतना बड़ा। तो पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या है, आर एफ साइन फाई। इसके बाद सेकेंड प्रूफ है, टू प्रूफ एल इज इक्वल टू आर पी साइन फाई। सेकेंड डेरिवेशन ये है, टू प्रूव आर पी साइन फाई। थर्ड जो टॉपिक है इसके बाद जो आता है, टू प्रूफ टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी। टू प्रूफ टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी, ये इंपॉर्टेंट है इसको प्रूव करना। टॉर्क जो होता है वो डीएल बाय डीटी है, ये स्कूल में आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो थ्योरी का टॉपिक है, मैं बुकलेट के हिसाब से चल रहा हूँ, अपनी बुकलेट इसी सीक्वेंस में चल रही है। टू प्रूफ एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमने ग्रेविटेशन के अंदर अभी किया था, आपको याद होगा। टू प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है। इसके बाद बी चैप्टर स्टार्ट होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर सबसे पहले आपको आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, ठीक। एंड नेक्स्ट एक्सलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक्सलेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्सलेशन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, जिसका जिसका एंड में रिजल्ट क्या आता था, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² बाय r², ठीक। मेन मेन टॉपिक्स बता रहा हूं मैं, और कोई इसमें? हाँ, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एंड 10th थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 टॉपिक मेन टॉपिक्स हैं, रादर इन 10 टॉपिक्स में से ये 2 टॉपिक्स नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो ये 8 टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एटलीस्ट थ्योरी में डराइव करने तो कम से कम आने चाहिए, ठीक। तो करें स्टार्ट, तो जल्दी से इसको ड्राइव करके हम असली चीज़ पे आते हैं जहाँ पे आप अटकते हो, और वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको ये समझ में तो आए कि कम से कम मुझे लगाना क्या है, ठीक। सो जैसे मैंने थ्योरी की क्लासिफिकेशन की, वैसे ही मैं बोर्ड पे अगर आज टाइम मिलेगा तो मैं न्यूमेरिकल्स की क्लासिफिकेशन करके दिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, ताकि आप फटाफट उसको ट्राई कर सको। और शीट तैयार है, मैं आपको शीट के अंदर साथ के साथ लगा के भी दिखाऊंगा, ठीक। मुझे लगता है 2 लेक्चर चाहिए होंगे, मुझे 2 लेक्चर के अंदर मैं आपको रोटेशनल पैक करके दे सकता हूँ, ठीक। सो ये टॉपिक क्लियर है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या प्रूव करना है, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी, ठीक। आपने लिस्ट बना ली ना इसकी? हाथ उतनी तेजी से चलना चाहिए, लिख लिया? अच्छी बात है, हाथ थोड़ा तेज चलना चाहिए। बुकलेट है, बुकलेट है, बुकलेट है, कुछ रह तो नहीं गया, चेक कर लो। ठीक है ना,
ठीक है, सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टू प्रूव टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी. ठीक, मेरे को एक चीज़ पता है कि जो टॉर्क है, जो एल वेक्टर है रादर, एल वेक्टर क्या होता है, आर क्रॉस पी. ठीक, दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी एल बाई डी टी, यहाँ पर भी डी बाई डी टी ऑफ क्या आएगा, आर क्रॉस पी. ये स्टेप सबको क्लियर है, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी लगा दिया. नेक्स्ट है डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, इसमें आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें पी चाहे बाहर निकाल लो, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या लिखना पड़ेगा आपको, आर वेक्टर रादर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ. ठीक, और प्लस 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 आर वेक्टर को बाहर निकाल लो, क्रॉस डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या लिखना पड़ेगा आपको, पी. एक बार आप आर को बाहर निकालो, एक बार आप पी को बाहर निकालो, याद है डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू इन टू वी का फॉर्मूला. क्लियर है यहाँ तक? सो मुझे ये भी पता है कि डी आर बाई डी टी क्या होता है, विलॉसिटी वी, और पी वेक्टर क्या होता है, मास इंटू विलॉसिटी. विलॉसिटी क्रॉस विलॉसिटी हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, प्लस आर वेक्टर क्रॉस डी पी बाई डी टी क्या होता है, फोर्स. क्लियर? एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा आपको, जीरो. तो यहां से आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क. तो टॉर्क क्या आ गया, डी एल बाई डी टी. बस चार लाइनों का प्रूफ है, हो जाएगा प्रूफ. ये प्रमांग कुछ नहीं करना, आपने एल को लिखने डी आर डी बाई डी टी लगा देने, एक टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि वी क्रॉस वी क्या होता है, जीरो, और सेकेंड टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टॉर्क, क्योंकि आर क्रॉस एफ क्या होगा, टॉर्क. ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है, टू प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. हमें ग्रेविटेशन में भी किया था, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट. इसके लिए लेट अस सपोज हमने ये इमेजिन किया था कि एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ पर आ गया, मास यहाँ से यहाँ आ गया, और लेट अस सपोज उसने कितना एरिया कवर कर लिया, इतना एरिया कवर कर लिया. इतना एरिया कवर करने के बाद लेट अस सपोज ये क्या है इसका, आर वेक्टर, और ये इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, डी आर वेक्टर, क्योंकि ये बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट है, तो इट कैन बी टेकन एज टेंजेंशियल. ठीक, तो टेंजेंशियल हो गई. नेक्स्ट, क्योंकि हमने एरिया निकालना है, तो एरिया इसका स्मॉल एरिया डी ए की वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और क्योंकि एरिया इज अ वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो एरियल वेलोसिटी भी वेक्टर होगी, और वैसे भी ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो या तो यहाँ डॉट लगेगा या यहाँ क्रॉस लगेगा. एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया की जो वेक्टर की डायरेक्शन है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर है. तो एरिया अगर वेक्टर है, तो यहां पर डॉट की जगह क्या लगाना पड़ेगा हमें, क्रॉस. ये भी क्लियर है यहां तक? बोलो. हाँ, एक्सेस है, एक्सेस है. वो कैपिलर लॉ में सन सेंटर में नहीं होता ना, साइड पे होता है. क्या है पॉइंट, क्लियर है? एरियल वेलोसिटी इज डी ए बाई डी टी. तो एक काम करें, डी टी और यहां भी क्या कर दिया, डी टी. ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? राइट साइड को मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये भी क्लियर है? तो यहां से डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ इंटू आर क्रॉस डी आर बाई डी टी. क्या होता है, डी आर बाई डी टी इज वेलोसिटी वी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, पी, और मास कांस्टेंट नीचे आ गया, तो एम इंटू वी वेक्टर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर. तो ये क्या आ गया, आर क्रॉस. क्लियर है यहां तक? ठीक. या फिर डी ए बाई डी टी इज वन बाई टू इंटू मास, आर क्रॉस पी क्या होता है, एल. आर क्रॉस पी एल होता है. ठीक, अच्छा, ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो एरिया लिखा, एम से मल्टीप्लाई, एम से डिवाइड, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी दिया गया. किसी भी प्लैनेट जो सन के आसपास घूमता है, उसका L हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, और 2 और M भी क्या है, कांस्टेंट. तो पूरा राइट हैंड साइड कांस्टेंट है,
इसलिए dA/dt की वैल्यू भी क्या आएगी, तो एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा ठीक है यहां तक, तो एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट, एम इन टू वी पी नहीं होता, dR/dt क्या है, वी मास इन टू वेलोसिटी पी। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, चार लाइनों में खत्म कर रहा हूं हर चीज, ये याद रहे, जान के कर रहा हूं ताकि आपको ऐसा लगे कि पता नहीं कितनी बड़ी डेरिवेशन करवा दी मेरे को। आपको ये एहसास होना चाहिए कि अरे ये क्या किया मैंने, मैंने एक महीना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर ली। यही तो इस क्लास का मोटिव है कि आपको ये एहसास दिलाना कि आपको पढ़ना है और चीज़ों में कुछ भी नहीं है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखवाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, अगर आपको रिंग का मोमेंट ऑफ एनर्जी, मिटा दूं ये, अगर मुझे रिंग का मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकालना है, तो अगर मुझे रिंग का मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ अ रिंग, तो सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा कि अगर ये एक्सिस है और अगर ये मास एम है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर और m मास इसके आसपास आसपास घूमता जा रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या, एम आर स्क्वायर। सही, किसी भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज एम आर स्क्वायर। लेकिन हमने तो रिंग का निकालना है, तो एक रिंग ले लो, लेट अस सपोज ये आपके पास एक रिंग है, ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस से स्मॉल डिस्टेंस दूर एक स्मॉल मास ले लो dm, इस dm का डिस्टेंस परपेंडिकुलर यहां से कितना है और रिंग का मास कितना है एम। ठीक, और ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी है dx, तो dx 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 एलिमेंट से ये रिंग बनी हुई है। ठीक, तो इसको एलिमेंट्री पोर्शन बोलते हैं, तो एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ अ रिंग आपके पास कितनी आ गई dx। जैसे डिस्क बनी हुई है रिंग से, रिंग बनी हुई है dx dx dx, आपका स्फेयर बना हुआ है बहुत सारी डिस्क से, सिलेंडर बना हुआ है बहुत सारी डिस्क से, तो ये एलिमेंट्री पोर्शंस हैं। तो आपने उनमें से एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, इसका मास निकाल लें, अगर मान लो पूरी लेंथ, क्योंकि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ, डिस्क के ऊपर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया, सॉलिड स्फेयर में मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। तो अगर लेंथ इतनी है तो मास कितना है m, अगर 1 है तो m डिवाइडेड बाय 2 पाई r, और अगर dx लेंथ है तो m डिवाइडेड बाय 2 पाई r इनटू dx, ये क्या आ गया dm, तो स्मॉल मास आ गया। ठीक, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का क्या होगा, स्मॉल मास इनटू एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर mr स्क्वायर, तो स्मॉल मास dm इनटू r का स्क्वायर। dm की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दें, तो dm की वैल्यू इज m बाय 2 पाई r इंटू dx इंटू r का स्क्वायर, तो di इज इक्वल टू, एक r से r कैंसिल, m डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू r इंटू dx। ठीक है यहां तक, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, थैंक यू। मैं ये बंडल पास कर रहा हूं, आपने हर किसी ने दो दो शीट्स लेनी है प्लीज, एक असाइनमेंट दो शीट्स की हैं, तो एक शीट नहीं लेनी, नहीं तो सीक्वेंस खराब होगा, हर किसी ने दो दो शीट्स उठानी है। ठीक, यहां से पास करते रहो प्लीज। तो ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, आपके पास आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो जीरो से लेके आई तक, और dx 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 मिलाओगे पूरे रिंग का, तो क्या आएगा, जीरो से लेके टू पाए आर तक, तो लेंथ कितनी कवर हो जाएगी, जीरो से लेके 2 पाई आर, तो यहां से आए m 2 पाई आर कांस्टेंट, 1 dx की इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई आर तक, तो i इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू r, और यहां से इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा 2 पाई आर, तो आंसर आ गया एम आर स्क्वायर। तो अगर आपका एक्सिस सेंट्रल है इस रिंग का, तो सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होगा, एम आर स्क्वायर।
ये पॉइंट मास है ना डी एक्स, और किसी भी पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, हाँ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि डी एक्स इज अ पॉइंट, डी एक्स तो एक पॉइंट है, बहुत छोटा एलिमेंट है उसका, और बहुत छोटे एलिमेंट के लिए उसका मास इनटू रेडियस का स्क्वायर सीधा लगा सकते हैं, हाँ इस एलिमेंट का, पर हमने तो रिंग का निकालना है, तो सारे एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मिला लिया, इंटीग्रेट कर लिया, तो पूरी रिंग कवर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ठीक। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ, अगर आपको डिस्क निकालना है तो डिस्क किससे बनी हुई है, बहुत सारी रिंग से, इसका मास एम है, रेडियस आर है, तो उनमें से एक कोई रिंग ले लेते हैं, लेट अस सपोज ये आपके पास एक रिंग है, इसमें इसका रेडियस आर है, ये रिंग आपने कितने डिस्टेंस पे ली, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो ये जो एलिमेंट है वो कितने है, डी एक्स है, वो डी एक्स है, और लेट अस सपोज इस रिंग का मास कितने डी एम, इस केस में इस रिंग का मास डी एम है, बोल समझ में आ रहा है, उसमें एलिमेंट का मास, उसमें एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट कौन था, डी एक्स था, तो उसका मास डी एम था, इसमें स्मॉल एलिमेंट कौन है, रिंग, स्मॉल एलिमेंट का मतलब होता है डिस्क किससे बनी हुई है, तो डिस्क किससे बनी हुई है, बहुत सारी रिंग से, तो उनमें से एक रिंग ले लो, एक रिंग का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर टोटल डिस्क अपने आप आ जाएगा, ठीक है, आशीष समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको, बोलो, नहीं लेंगे क्योंकि हमने एक बार उसको ले लिया, तो अब हम रिंग से स्टार्ट करेंगे, हम ये कहेंगे कि रिंग्स 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 मिला के डिस्क बनेगी, अब मतलब एक स्टेप और नीचे नहीं जाएंगे, उसी के लिए तो हमने फर्स्ट टॉपिक रिंग का कर लिया, हाँ उसको यूज करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, लेंथ वाइज, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, डिस्क में मास ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया, तो अगर और ये रिंग का शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि जो एरिया होता है, जो एरिया है, तो एरिया ऑफ रिंग, शेडेड रिंग इज सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, तो रिंग का एरिया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर है, तो अगर एरिया पूरी डिस्क का इतना था तो मास कितना है m, अगर 1 है तो m डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर, और अगर रिंग का एरिया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स है तो मास कितना है m डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ रिंग, जिसको किसे रिप्रेजेंट किया बाय dx dm, अच्छा ही समझ में आ रहा है यहां तक, ध्यान से देख रहे हो कोई स्टेप, ये एरिया ऑफ रिंग इज सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, सर्कमफ्रेंस इस रिंग का कितना है 2 पाई एक्स, और थिकनेस कितनी है डीएक्स, तो रिंग का एरिया आ गया, तो रिंग का मास भी आ जाएगा, क्योंकि अगर डिस्क का एरिया इतना है तो मास इतना है, 1 है तो इतना है, और अगर इतना है तो ये, तो डीएम आ गया यहां पे, कोई डाउट इसमें, ठीक, एक्स का मतलब रिंग का अंदर वाला डिस्टेंस है, ठीक, क्लियर है, वन, ठीक है, सो इसमें स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग क्या है, मास इनटू एक्स का स्क्वायर, जो रिंग है अभी इससे पहले वाला टॉपिक करके चुके हैं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, रिंग का मास इनटू उसके रेडियस का स्क्वायर, रिंग का मास कितना है डीएम, और उसका रेडियस कितना है एक्स, इस केस में एक्स, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, अगर मैं सभी रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला दूं तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, डिस्क का, तो मिलाने का मतलब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, तो डीएम की वैल्यू एम पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, डी आई इज इक्वल टू 2 एम एक्स क्यूब बाय आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक, तो ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, सिर्फ एक रिंग का,
तो एक रिंग का मोमेंट इनर्शिया क्लियर है, ठीक। आपको किसका निकालना है, डिस्क का। जब आपने पहली रिंग डाली होगी सेंटर पे, तो उसका रेडियस क्या रहा होगा, जीरो, ये देखो जीरो। फिर आपने नेक्स्ट 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 डाली, तो फाइनल जो डिस्क डाली उसका रेडियस कितना है, आर। तो लिमिट डीएक्स की क्या लगेगी, जीरो से लेके आर तक। तो आपने ये देखना है कि एलिमेंट्री पोर्शन जो पहला डाला वो जीरो रेडियस का, डीएक्स उसकी थिकनेस जीरो थी, फिर उसके बाहर एक और रिंग, एक और रिंग, एक और रिंग, एक और रिंग, करते करते फाइनली कहां पर आ गए, आर पे। एनी डाउट? तो लिमिट लगा दी यहां से जीरो से आर। तो लिमिट लगा के इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करके इसे इंटीग्रेट करते हैं, आई टू एम आर स्क्वायर एक्स क्यूब डीएक्स जीरो से लेके आर तक, 2m r स्क्वायर x रेज टू पावर 4/4 जीरो से लेके r तक। तो i इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r रेज टू पावर 4/4। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एम आर स्क्वायर। तो डिस्क का मोमेंट इनर्शिया कितना आ गया, हाफ एम आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहां तक? कितने टॉपिक हो गए, 4, अभी हो जाएंगे पूरे। मत हते यार, हाँ जी ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? डिस्क का हो जाएगा प्रूफ, ठीक। जितना ठीक है, सो तो इन एनी केस कुछ तो सीखने को मिलता ही है क्लासेस लगा के। बट द पॉइंट इज कि समझ में आ रहा है, इसको पढ़ लेना, ये टेम्पररी मेमोरी में जा रहा है, ये परमानेंट मेमोरी में नहीं जा रहा, ये हार्ड डिस्क में नहीं जा रहा ब्रेन की, ये रैम में जा रहा है। ये सिर्फ एक घंटे तक आपके दिमाग में रहेगा, कल तक तो पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक। इसको पढ़ लेना, रिवाइज कर लोगे तो पक्का हो जाएगा। सेव एज भी तो करते ही हो हार्ड डिस्क में, नहीं करते? वर्ड की फाइल में टाइप कर रहे हो, सेव एज नहीं करते? सेव एज का मतलब उसकी रिवीजन कर रहे हो, पक्का हार्ड डिस्क में डाल रहे हो, और क्या कर रहे हो? क्यों, तू तो एक्सपर्ट है कंप्यूटर का। देखो, समझ आ रहा है अवनीश? ठीक है, अब प्रैक्टिस करके लाइयो। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। रॉड में ये सपोज रॉड एक्सिस, रॉड की लेंथ एल, तो ये एल बाई टू और ये भी एल बाई टू, रॉड का मास कितना, एम, ठीक। इस रॉड का स्मॉल एलिमेंट लिया आपने, इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ या एलिमेंट कितना लिया, डी एक्स, और ये थिन रॉड है, कोई सिलेंड्रिकल रॉड नहीं है, तो बहुत छोटा एलिमेंट लेना है लेंथ वाइज, जो कि कितना है, डी एक्स। इसका मास कितना है, डी एम, और इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, एक्स, ठीक, ये एक्स। कोई डाउट इसमें? सो इसके अंदर स्मॉल एलिमेंट का मास क्या होगा, अगर लेंथ एल है तो मास एम है, वन है तो एम बाय एल है, और अगर डी एक्स है तो एम बाय एल इंटू dx है, दिस इज इक्वल टू dm। तो यहां पर क्या आएगा, m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू डी इज इक्वल टू dm, ठीक, क्योंकि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड के ऊपर, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। एनी डाउट? नेक्स्ट, इस रॉड का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di किसके इक्वल है, dm इंटू एक्स स्क्वायर,
क्योंकि पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, उसका मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। डीएम की वैल्यू को उठा के जरा पुट करना है यहां पर, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहां से डी आई इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। स्मॉल मास निकाल लिया, एलिमेंट्री पोर्शन पॉइंट मास है, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस है कितना एक्सिस से एक्स। ठीक है यहां तक, रोटेशनल मोशन की ऑब्जेक्टिव की लिस्ट लग गई, देख ली। हाईएस्ट स्कोर कितना है, 99, इतना ही है ना, नहीं देखिए प्लस वन का नहीं है, प्लस टू के स्टूडेंट का है, क्योंकि हमेशा तीन चार स्टूडेंट प्लस टू के प्रैक्टिस में है, और वो इसलिए ताकि वो प्लस टू के अंदर प्लस वन ना भूल जाए। आप में से भी जो अंदर से बहुत कॉन्शियस स्टूडेंट हैं जिनको कंपटीशन सच में करना है, वो प्लस वन में आया करेंगे कि हमें भी टेस्ट देने दो, सो दैट उनकी प्रैक्टिस लगी रहे। 99 हाईएस्ट स्कोर है, चलो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद एकदम प्लस टू का सेकेंड स्टूडेंट है, उसके 88 है, प्लस टू का ही 88 है। फिर उसके बाद दो तीन बच्चे प्लस टू के हैं, फिर प्लस वन स्टार्ट है। अब क्वेश्चन ये है, 99 और 88 के अंदर 10 मार्क्स का फर्क है, और ऑल ओवर इंडिया अगर 10 मार्क्स का फर्क हो जाए ना मेरे और इसमें, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरा क्या होगा और इसका क्या होगा। इतना हो सकता है कि इसको चंडीगढ़ के अंदर पैक मिलेगा, और हो सकता है मेरे को कुछ भी ना मिले चंडीगढ़ के तीनों कॉलेजेस में, इतना फर्क डाल सकता है 10 नंबर का, बड़ा है ना। तो आप तो उस लिस्ट में ही नहीं हो अभी, आप तो 99 और 88 के अंदर ही नहीं आए, पूरे 100 बच्चा उस कट के अंदर आया ही नहीं, यानी कि बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है ना। तो ग्रेविटेशन के अंदर चैलेंज लेते हो, ग्रेविटेशन वो तो आता है, उसके अंदर तो एटलीस्ट आपको परफॉर्म करना चाहिए, चांसेस हालांकि कम है, क्योंकि उन लोगों ने प्लस टू का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया हुआ है, वो तो किसी भी फील्ड को, मतलब किसी भी फील्ड के न्यूमेरिकल को तोड़ सकते हैं वो लोग। तो आप तो अभी ग्रेविटेशन के छोटे लेवल पे ही हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, आप ट्राई करो, और अगर आप बीट कर पाते हो, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिशन में आपका कम से कम ग्रेविटेशन तो क्रैक हो जाएगा, इसी बड़ी स्टेटमेंट हो सकती है, रिकॉर्डेड है, किसी भी टेस्ट में, किसी भी टेस्ट में। और ऐसा नहीं, ऐसा हुआ नहीं, मैं आपको पिछले साल की लिस्ट दिखा सकता हूँ, उससे पिछले साल की, उससे पिछले साल की, मेरे पास रिकॉर्ड है, पिछले कई सालों में कई साल ऐसे हुए हैं जिनमें प्लस वन के बच्चे ने प्लस टू के बच्चे को बीट किया है, ऐसे कई स्टूडेंट हुए हैं जिन्होंने प्लस वन प्लस टू के अंदर पूरे सिलेबस के अंदर भी टॉप किया, और इंडिविजुअल टेस्ट में भी टॉप करके दिखाया, ऐसे बच्चे भी हैं। तो आप में से बस, आप में से ही हैं, बस अंदर की जो आवाज़ है बस वो सुन नहीं रहे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बस कुछ करके दिखाना है। क्यों लवेश, दिखाएगा करके? ओके, देखेगा। चलो, क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, इंटीग्रेट करें, सारे स्मॉल 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 एलिमेंट्स को मिलाएं तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो सारे एलिमेंट्स के को अगर मिलाना है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना दो तरीके होते हैं लिमिट्स लगाने के। पहला तरीका, यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, जीरो से लेके एल बाई टू, तो ये आधी रॉड कवर हो गई जीरो से एल बाई टू, और आप इस पूरे रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इनटू टू से, क्योंकि आपके पास तो डबल रॉड है, तो आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जीरो से लेके एल बाई टू, और पूरी रॉड का निकालने के लिए इनटू टू। क्या पॉइंट क्लियर है? इसको इंटीग्रेट कर लो, आपके पास आंसर आएगा, जैसे आए इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू टू इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो से लेके एल बाई टू, आई इज इक्वल टू टू एम बाई एल एल स्क्वायर बाई फोर, लिमिट पुट कर लेना यहां पर, तो आपके पास कितना आंसर आ गया यहां से, आई इज इक्वल टू, आंसर नहीं आया सही, कुछ गलती है, इंटीग्रेशन जीरो से लेके एल बाई टू की, और मैंने फाइन, हाँ इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा। ओके ओके, एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री का मतलब है टू
एम बाय एल, एल क्यूब डिवाइडेड बाय 8, ठीक ठीक। तो एल क्यूब, क्योंकि ये एक्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो इसको ऐसे कर लो, 2m by l, x cube by 3, 0 से लेके l by 2, एक एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेते हैं, नहीं तो 3 दिखेगा नहीं आपको। तो 2m by l, 3 भी आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो l cube by 8 हो जाएगा, ठीक। अब ये कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, l से l कैंसिल हो गया, m l square by कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है यहाँ तक। तो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल एम एल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्लियर हो गया, ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है और उसके बाद कुछ और भी था उसमें, एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन वाला था, हाँ। दो थ्योरम्स हैं और एक एक्सेलरेशन है, ओके। तो तीन टॉपिक हैं, दो थ्योरम्स और एक एक्सेलरेशन है। थ्योरम्स कहाँ काम आती हैं, हमने जितने भी ये टॉपिक आज किए इसके अंदर हमने जो एक्सिस रखा वो हमेशा सेंट्रल रखा, जो एक्सिस है वो हमेशा कहाँ पर है, पासिंग थ्रू सेंटर है। लेकिन अगर आपका एक्सिस उस सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है तो शॉर्टकट है, ताकि आपको वापस से इंटीग्रेशन ना करनी पड़े, तो एक शॉर्टकट है जिससे कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, उस शॉर्टकट को थ्योरम बोलते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंगली, सपोज करो कोई भी एक लेमिना 2D बॉडी को बोलते हैं, स्फेयर इज नॉट अ लेमिना, लेमिना जैसे कि डिस्क इज अ लेमिना, रिंग इज अ लेमिना, 2D बॉडी है, हाइट नहीं होनी चाहिए, बस फ्लैट शीट टाइप बॉडी। तो अगर मान लो तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो लेट अस सपोज ये एक लेमिना है, एंड सपोज इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनमें से ये m1 फर्स्ट पार्टिकल है, सच दैट m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x से कितने y1 है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो x1 का मतलब ये डिस्टेंस कितना है x1 एंड ये डिस्टेंस कितना है y1, तो ये x1 है और ये y1 है, कोऑर्डिनेट्स ऐसे बनते हैं ना, x1 का मतलब ये कोऑर्डिनेट x1, y1 का मतलब y एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट इज y1, ठीक। और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें ये बोलती है कि z एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अलोंग प्लस वाई के अलोंग होता है, ये थ्योरम का प्रूफ है, सॉरी जो हमने प्रूफ करना है टू प्रूफ है। इसका प्रूफ कैसे होगा, मुझे पता है कि मैंने फर्स्ट पार्टिकल ले लिया, इस मान लो अगर मैं एक्स एक्सिस लेता हूं तो एक्स एक्सिस ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इस पार्टिकल का, इधर देखो, एक्स एक्सिस से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है y1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो m1 into y1 स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, जब x एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है तो यहां पर डिस्टेंस किसका लेना है y1 का, क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि x एक्सिस ये रहा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है y1, और ऐसी अगर मैं सेकंड पार्टिकल लूंगा m2 into y2 स्क्वायर अप टू चलने दो, यानी कि x एक्सिस के अलोंग इन जनरल mi into y I square where I varies from 1 to n, क्योंकि m1, m2, m3 को mi, y1, y2, y3 को yi, I varies from 1 to n, क्या स्टेप क्लियर है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं y एक्सिस के अलोंग बोलू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ये y एक्सिस देख रहे हो, इसका डिस्टेंस कितना है m1 से x1, तो यहां पर क्या आएगा m1 into x1 square, m2 into x2 square and so on, तो I y axis के along सिग्मा mi into x I का square, I varies from 1 to n, क्या स्टेप क्लियर है, तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के along, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के along, इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो x के along प्लस y के along मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा mi कॉमन आ जाएगा, xi square plus y
आई स्क्वायर, ठीक है, इसमें से सिग्मा एम आई कॉमन आ गया, तो क्या बना, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। हाँ जी ठीक है, यहां तक ठीक। एंड इसमें लेट अस सपोज ये डिस्टेंस कितना है, जेड वन, तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड टू स्क्वायर, हर ट्राइंगल में पाइथागोरस लगती जाएगी, तो इन जनरल एक्स आई स्क्वायर एंड वाई आई स्क्वायर विल गिव जेड आई स्क्वायर, ठीक। किसी भी ट्राइंगल के लिए मैं एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, एम आई इन टू जेड आई स्क्वायर, और एम आई जेड आई स्क्वायर का मतलब क्या है, एम वन जेड वन स्क्वायर, एम टू जेड टू स्क्वायर, एम थ्री जेड थ्री स्क्वायर, एम फोर जेड फोर स्क्वायर, अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो इन जनरल इसको क्या लिख सकते हैं, आई जेड एक्सिस, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, आई जेड एक्सिस, क्योंकि किसी भी पार्टिकल का स्टेट वे डिस्टेंस कितना एक्सिस है, जेड वन, तो इसका मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, एम वन जेड वन स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल अगर होता तो एम टू जेड टू स्क्वायर, एम थ्री जेड थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन, तो स्ट्रेट वे आप लिख सकते हो इसको जेड एक्सेस के अलावा, क्या स्टेप क्लियर है, तो हो जाएगा प्रूव ये। ये वाला इस राइट एंगल ट्राइंगल में जेड वन स्क्वायर इज एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, अगर कोई और पार्टिकल होता वो भी राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ही बनाता, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता, एक्स टू वाई टू जेड टू, तो उसके लिए भी जेड टू स्क्वायर इज एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, अगले पार्टिकल के लिए जेड थ्री स्क्वायर इज एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर, इन जनरल एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर, तो जेड आई स्क्वायर यहां रिप्लेस कर दिया, ठीक। कोई डाउट इसमें, हाँ, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये टिपिकल स्कूल में आती हैं, सब थ्योरी जो चल रही है वो स्कूल में एज इट इज आती है। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, मैं अभी अपना बहुत टाइम है, मैं आपको न्यूमेरिकल की भी कैटेगरी आज करके दे देता हूँ, फिर आप अपना होमवर्क करके आओगे, फिर नेक्स्ट टाइम आपको और एक लेक्चर लगा के आपका रोटेशनल को मैं आपको जो भी, क्योंकि आपको काम दूंगा अगले संडे तक, आप काम करके आओगे अपने रिस्पेक्टिव बुक्स में से, जैसे ग्रेविटेशन करके आए थे, उसके बाद अपने आप आपको रोटेशनल आ जाएगा। अगर नहीं करके आओगे तो गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी, आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल टूट जाएगा, वो और ब्रेक हो जाएगा, आपको अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को आता नहीं, मैं कर नहीं सकता, फिर आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि मैं सच में नहीं कर सकता। ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब दो बार करवाने के बाद नहीं होगा, और मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा, ठीक। तो डाउट्स वगैरह होंगे छोटे मोटे, वह पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस करना, ठीक। ट्यूसडे अल्टरनेट कितने लोग आते हैं क्लास लगाने, यहाँ पे 7:15, ओके। इस बार जब आओगे अपनी मॉडर्न एबीसी प्रदीप जो भी लेके आनी है वो यहीं लेके आना, ठीक, प्रैक्टिस यहीं करनी है, मैं उनको कह दूंगा, मैम को, मैं भी साथ में होऊंगा आपके, मेरे हमारे सामने ट्राई करना न्यूमेरिकल्स रोटेशनल मोशन के, जितने भी लोग आ सकते हैं वो प्लीज़ ट्यूसडे अल्टरनेट 7:15 बजे आ जाएँ, तो हमारे सामने ट्राई करना, हम वहीं पर आपकी प्रॉब्लम को एक बार रेक्टिफाई कर देंगे, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम घर जाके बुक्स कर सकते हैं, इससे अच्छा ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये रोज नहीं लग सकता, प्लीज़ एक बार चला के दे सकते हैं आपको चैप्टर, एक बार चल पड़े बस फिर चल पड़ोगे, ठीक है, ठीक है, आ जाना ट्यूसडे अल्टरनेट, मैं भी यहीं पर रहूँगा, तो मैं एक बार साथ में लग के, दो टीचर्स लग के या दो या तीन लोग होंगे, हम अपने आप डाउट्स क्लियर कर देंगे आपके, लेकिन लेके आना खाली हाथ, कोई ना आए, प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि सर चाबी देना अलमारी की, जरा बुक्स लेनी है, बुक्स भूल गए, जो भी बुक है एस एल अरोड़ा मॉडर्न एबीसी प्रदीप, जो भी आपके टेक्स्ट बुक्स हैं सब उठा लो, यहाँ पर यहीं बैठ के मैं आपको मार्क करके दूंगा, ये क्वेश्चन शुरू करो, अब वो क्वेश्चंस करना, ठीक। नेक्स्ट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में ये परपेंडिकुलर थी, इसमें तीन एक्सिस परपेंडिकुलर थे,
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अंदर, सपोज करो देयर इज एन एक्सिस जो कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास में से. देयर इज एन एक्सिस जो कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास में से. मान लो एक पार्टिकल है m1, इसका डिस्टेंस है यहां से r1, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अलोंग है. और एक पार्टिकल है m2 और इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, r2. ठीक. और अगर मैं ये पूछूं कि आए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे, m1 r1 square plus m2 r2 square. और इन जनरल अगर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हुए तो आप लोग मुझे ये बोलोगे सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर. एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इसको सिग्मा एम आई आर आई की फॉर्म में लिख सकते हो. एनी डाउट? ठीक, ठीक है. नेक्स्ट है, इसके अंदर सपोज एक और एक्सिस है जो इसके पैरेलल है. ठीक, हमने इसके अबाउट, मान लो ये सी डी एक्सिस है, मेरे को सी डी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और इन दो एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने है, h. ठीक, तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंगली नए एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू मास इनटू h का स्क्वायर. ठीक, तो यहां पर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. ये प्रूव करना है मुझे. ठीक, तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये ब्लू कलर का एक्सिस एक नया एक्सिस है, तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस यहां से क्या होगा, आर टू माइनस एच. ये आर टू है, ये एच है, तो आर टू माइनस एच. और इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये यहां से लेके यहां तक कितना है, आर वन है, और ये कितना है, एच है. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर वन प्लस एच. ठीक, तो नए एक्सिस से उन रिस्पेक्टिव पार्टिकल के डिस्टेंसेस आ गए आपके पास. ठीक, तो नए एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी इज एम वन इंटू आर वन प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एम टू इंटू आर टू माइनस एच का होल स्क्वायर. थर्ड पार्टिकल के बारे में कह नहीं सकता तो डैश 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 लिख दिया. ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होते होंगे ना. ठीक है यहां तक? तो नए एक्सिस का डिस्टेंस हमने निकाल लिया उन पार्टिकल के साथ, किसी में आर माइनस एच, किसी में आर प्लस एच. तो यहां से आई सी डी इज इक्वल टू एम वन, या मैं ऐसे कर लेता हूं, सिग्मा की फॉर्म में लिखता हूं, एम वन एम टू एम थ्री की जगह इन जनरल एम आई, आर वन आर टू आर थ्री की जगह आर आई, प्लस माइनस, प्लस माइनस मैं कह नहीं सकता तो आइदर इट कैन बी प्लस आइदर इट कैन बी माइनस. फिर एच 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 की जगह एच का होल स्क्वायर. तो इन जनरल इसको ऐसे लिख लिया. ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो यहां से आई ऑफ सी डी इसको ओपन कर रहे हैं, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू आर आई इंटू एच, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर सिग्मा एम आई एच का स्क्वायर प्लस माइनस टू इंटू एच कॉमन है सिग्मा एम आर आई आर आई. इसको ओपन कर दिया. ओपन करके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर निकाल लिए. जैसे इसमें से एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट आएगा, एच स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ये टर्म बच गई. आई वाली टर्म्स को सिग्मा के अंदर रख लिया, बाकी कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लिए. ठीक, और लास्ट स्टेप है, ये आई सी डी है, तो आई सी डी विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू शुरू में मैंने आपको निकाल के दे दी थी, आई ऑफ सेंटर ऑफ मास सॉरी प्लस एच स्क्वायर. सिग्मा एम आई का मतलब एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री अप टू एम एन, यानी कि एम. और एम आई आर आई का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो, क्योंकि अबाउट सेंटर ऑफ मास हम ऐसे करते हैं, कुछ डिस्टेंसेस, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, कुछ डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, कुछ डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, और उनका टोटल सम हमेशा क्या आता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो. तो आपके पास आंसर आ गया जो आपने प्रूव करना है. ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर? तो दो थ्योरम्स भी समझ में आ गई.
और नेक्स्ट जो है वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन खत्म करने के बाद मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस करवाऊंगा, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, ठीक। फिर आप इस असाइनमेंट को या तो क्लास में सॉल्व करना जब हम ट्यूसडे ऑल्टरनेट जब आप आओगे, या फिर घर से करके लाना, बुक्स ले आना, यहाँ पे जो भी होगा बस प्रैक्टिस करनी है। बुक्स में से कर लो ज़्यादा बेटर है, ये तो चलो मैं करवा ही दूंगा। बुक्स में से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुक्स में ना टॉपिक के अंडर क्लासिफिकेशन होती, लिखा होता है कि टॉर्क के न्यूमेरिकल्स हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें मिसलेनियस हैं, तो आप बुक्स में से करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो मैं शीट आपको करवा ही दूंगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक। सो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एक्सेलरेशन, और रोलिंग टॉपलिंग अभी मत करना, रोलिंग भी मत करना, टॉपलिंग भी मत करना, क्योंकि प्योर रोलिंग वो एडवांस का ही पार्ट है जो क्लास में हुआ था। प्योर रोलिंग के न्यूमेरिकल या तो जेई मेंस के थोड़े मुश्किल न्यूमेरिकल में से पाए जाते हैं, या फिर वो बिल्कुल एडवांस में आएंगे। पीएमटी वालों को इतने हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो आप अपने मेडिकल वालों तो रिलैक्स्ड हैं, प्योर रोलिंग के ऊपर इतने हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। जेई मेंस में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जेई मेंस और नॉन मेडिकल वालों को कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ की, कुछ भी डाल सकते हैं। किसी साल तो पेपर इतना मुश्किल, किसी साल तो पेपर ठीक, किसी साल आसान, कुछ नहीं कह सकते, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है। तो मेडिकल वालों में तो इतना हार्ड करने की जरूरत नहीं है जो करवाया था। आ गया तो अच्छी बात है, आपको बेनिफिट रहेगा, बट उल्टा आपको बाकी रोटेशन आसान लगना स्टार्ट हो गया होगा कम से कम, ठीक। तो बेस्ट तरीका बताता हूँ, पुराने पेपर परचेज कर लो, जेई मेंस वाले जेई मेंस के पेपर परचेज कर लो चैप्टर वाइज, पीएमटी वाले पीएमटी के परचेज करो, कर लिए ट्राई करते हो, होते हैं, कभी कभी नहीं करने ना, सारे करने हैं, ठीक। सो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सी एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइन के अंदर, सपोज करो ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे ये एक बॉडी है, ये बॉडी अगर नीचे आती है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी नीचे आएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, एक टॉपिक है जिसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर आपको मान लो एक स्फेयर है, एक स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कितना होता है, 2/5 mr², लेकिन ये जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हुआ है ये इंटीग्रेशन से निकाला हुआ है, मतलब हल्के छोटे 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 पार्टिकल्स को मिला के। अगर सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंगली आप इसको, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालो, तो के का मतलब है सेंटर ऑफ मास और एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, यानी कि mk² इज इक्वल टू 2/5 mr², एम से एम कैंसल, तो यहाँ से k² / r² की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/5, ठीक है यहाँ तक। तो k² / r² की वैल्यू इसमें कितनी आएगी, 2/5, ठीक। सो इसके अंदर अगर मान लो एक्सेलरेशन है, और किसी भी बॉडी के लिए, जैसे एक डिस्क है, डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mr² इज इक्वल टू mk², तो यहां से k² / r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, तो k² / r² की वैल्यू इसमें 1/2 आएगी। कोई डाउट इसमें, हाँ जी, क्लियर। सो k² / r² की वैल्यू समझ में आ रही है कैसे निकलेगी। अब जैसे मान लो एक सिलेंडर या कोई भी बॉडी है रोल कर रही है, तो जब ये रोल कर रही है इसको कौन नीचे ले आएगा, mg sin θ, इसको mg sin θ नीचे लेके आएगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, पीछे। तो एक इक्वेशन सेंटर ऑफ मास पे लगेगी, यानी कि लीनियर मोशन की इक्वेशन सेंटर ऑफ मास पे लगती है। सेंटर ऑफ मास पे इक्वेशन क्या लगेगी, mg sin θ - φ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। यहां तक mg sin θ - f इज ma, ठीक। और दूसरी, क्योंकि बॉडी रोल भी कर रही है, घूम रही है, घूमने का मतलब है इसमें क्या जनरेट होगा, टॉर्क। तो इसमें अगर ये सेंट्रल एक्सिस है तो टॉर्क विल बी इक्वल टू rf sin 90, क्योंकि r और f में एंगल कितना है, इसमें 90, rf sin 90। लेकिन टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, कितना, i × α, तो rf sin 90 इज इक्वल टू i × α। जैसे कोई बॉडी अगर रोल करती है तो वी कैन अप्लाई v = r ω, या फिर a = r × α, ये भी फॉर्मूला है a = r α। तो आप इसमें अल्फा की जगह क्या पुट कर सकते हो, a/r, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ar, ia/r²
तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ की। तो एम जी साइन थीटा माइनस आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। तो इस एफ को उठा के यहाँ पुट कर देना है, तो एम जी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ए आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एम। तो ए इज इक्वल टू, रादर आप ये भी कर सकते हो इसमें, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम। और किसी भी बॉडी के लिए आई क्या पुट कर सकते हो, एम के स्क्वायर प्लस एम। तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा ए का, जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आपके पास एक्सलेशन की वैल्यू आएगी। अगर तो ये सिलेंडर हुआ तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हाफ पुट कर देना, अगर ये स्फेयर हुआ तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू बाई फाइव पुट कर देना। जैसे जैसे वो बॉडी देगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पुट करके एक्सलेशन निकाल लेना। तो दो ही क्वेश्चन क्लियर हैं, किसको सॉल्व करके क्या निकालना है। ठीक, कोई डाउट? ओके, दो चीज़ें और जो बतानी चाहिए, यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के केस में रोलिंग, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, रोल करने का मतलब आगे भी जाना और घूमना भी, इसको क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, आर ओमेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो। और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कम से कम इतना तो पता है। ठीक ठीक है, वो स्लिपिंग और स्लाइडिंग के क्वेश्चन सबसे टफ माने जाते हैं, बट समझ में आ रहा है यहाँ पर कैसे करना है, फॉर्मूला तो कम से कम क्लियर है। ठीक, तो जब ये बॉडी रोल करती हुई आगे जाएगी तो जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी इसमें, दैट इज सम ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन का मतलब सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करता हुआ आगे जा रहा है, दैट इज हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ठीक है यहां तक नितिन? प्लस प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। घूमने की एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्लियर है? ठीक, और इन जनरल किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी बॉडी के लिए आई क्या होता है, एम के स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहां से टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। ठीक, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। कोई डाउट इसमें? ठीक, एक तो ये याद होना चाहिए और दूसरा एक और चीज़ याद होनी चाहिए, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। अगर कोई बॉडी घूम रही है और आई एक्सिस के अबाउट ओमेगा के साथ, अगर कोई पॉइंट मास है, पॉइंट मास, फॉर एनी पॉइंट मास आई कैन बी रिटन एज एम आर स्क्वायर और ओमेगा इज वी बाय आर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाता है, एम वी आर। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला
एमवीआर तब लगता है जब मास क्या होता है, पॉइंट मास। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? बस मेरे हिसाब से थ्योरी मोर देन सफिशिएंट है, और आप टाइम के हिसाब से पूरा एक घंटा हुआ है, 60 मिनट में आपने पूरी थ्योरी लिख भी ली, सारी तो ना सही, कम से कम आधी याद तो हो ही गई होगी। तो किसी भी स्टूडेंट में बहुत पोटेंशियल होता है, अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है चीज़ को सीखने में। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग हिम्मत छोड़ देते हैं कि बस अब ये होगा नहीं, तो बस वो कई दिन पढ़ा रहता है, वो कई दिन पढ़ने के बाद और बड़ा लगता है कि ये तो 3 दिन से नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, ठीक है ना। और ऐसे करते करते अगर 15 दिन नहीं पढ़े तो 15 दिन में रोटेशन नहीं आया तो आज कहाँ से आ जाएगा, तो एक्चुअल में क्या था, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। समझ में आ रहा है? तो जितना टाइम थ्योरी में तो कोई दिक्कत नहीं, अब जितना टाइम बचा हुआ है मैं आपको न्यूमेरिकल की क्लासिफिकेशन बताता हूँ, वो सेंटर ऑफ मास है, फिर वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। ठीक, थ्योरी बहुत हो गई यार आज, वैसे भी नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा। अब न्यूमेरिकल्स के ऊपर थोड़ा सा मैं क्लासिफाई कर दूँ कि न्यूमेरिकल्स आते कैसे कैसे हैं। ठीक, न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी अगर आप रोटेशनल मोशन में बनाओ, तो जैसे थ्योरी की कैटेगरी बनाई मैंने पहले, न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी बनानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जैसे कई लोग मुझे कहते हैं कि सर समझ नहीं आता घर जाके कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है रोटेशनल में, तो ऐसी प्रॉब्लम फेस करोगे। ठीक, तो सबसे पहले जब घर जाओगे कोई भी एक टेक्स्ट बुक पकड़ लो, रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट कर दो। रोटेशनल मोशन के सबसे पहले कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, या तो वो टॉर्क के मिलेंगे या फिर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से पहले टाइप का न्यूमेरिकल जो आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर आता है, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज गिवन होंगी और आपको क्या निकालना होगा, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का टेंजेंट के लॉन्ग, डिस्क का पैरेलल एक्सिस के लॉन्ग, एच फिगर बनी हुई है, अलग अलग फिगर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक, सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा टॉर्क के ऊपर। टॉर्क के ऊपर तो बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, टॉर्क के ऊपर आएगा। टॉर्क के अंदर दो ही फॉर्मूले लगते हैं, या तो आर एफ साइन फाई या फिर आई टाइम्स एल्फा। जिन क्वेश्चन में टेंशन गिवन हो, फोर्स गिवन हो, या कुछ भी न्यूटन के फॉर्म में गिवन हो, कुछ भी न्यूटन की फॉर्म में, और वो टॉर्क की एप्लीकेशन पूछे, पक्का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और जिनमें फोर्स ना गिवन हो और अल्फा या ओमेगा की फॉर्म में कुछ गिवन हो और टॉर्क पूछे, तो ये फॉर्मूला लगेगा। लगा के दिखाऊंगा अभी, पर सेकंड कैटेगरी टॉर्क की। ठीक, थर्ड कैटेगरी आएगी रोटेशनल काइनेमेटिक्स की। रोटेशनल काइनेमेटिक्स, जैसे v इज u प्लस at, वैसी ओमेगा इज इक्वल टू, ऐसी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू इंटू एल्फा इंटू थीटा, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ इंटू एल्फा इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये आपके पास वैल्यूज आएंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, टॉर्क की और रोटेशनल काइनेमेटिक्स की। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी आएगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, जिसमें या तो फॉर्मूला लगेगा आई इंटू, या एंगुलर मोमेंटम की या तो फॉर्मूला लगेगा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा या फिर आर पी साइन फाई। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक, या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी इसी कैटेगरी में डाल देते हैं, एक ही बात है। ठीक, नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आएगा एनर्जी कंजर्वेशन पे, या एनर्जी इज इक्वल टू अभी जो फॉर्मूला किया हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसके ऊपर। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? अब पिक्चर क्लियर दिख रही है? अब ठीक दिख रहा है? और कोई कैटेगरी?
इसके बाद आता है रोलिंग विद स्लाइडिंग टॉपलिंग और वो जो सबसे मुश्किल एंड वाला पोर्शन था वो इसके बाद है. टॉपलिंग इसके बाद है, रोलिंग इसके बाद है, वो हम नहीं करेंगे. वो एडवांस है, मुझे एडवांस बैच में स्टूडेंट्स ने कहा एक बार रिवाइज करवा देना आज ही, तो जिसने करना होगा वो एडवांस बैच में चला जाएगा, वो पार्ट उस बैच में ही चलेगा. तो जिसने करना होगा शौकीन तौर पर, चल हम भी आ जाते हैं तब आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा है कि स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग कहा है, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट पता है लेकिन लगाना नहीं आता अभी भी. तो स्प्रिंग की दो असाइनमेंट दी थी मैंने आपको, या एक असाइनमेंट सब्जेक्टिव, वो डिस्कस नहीं हुई थी. तो हो सकता है एक सेशन लगने वाला है स्प्रिंग्स के ऊपर और साथ में रोलिंग के ऊपर, दो 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 चीज़ें इकट्ठी होंगी. तो मैं अनाउंस कर दूंगा क्लास में जब होंगी, जिसने आना होगा उसमें आ जाए. ठीक, और इस वेडनेसडे को ग्रेविटेशन की एडवांस क्लास है, मैंने सुबह अनाउंस किया है, और फ्राइडे को भी होगी, वेडनेसडे को भी. अपने स्कूल को प्लीज़ देख लेना कैसे करना है अरेंज. तो फ्राइडे को तो हो सकता है इन जनरल क्लास हो, इलास्टिसिटी के ऑब्जेक्टिव्स की हो, मतलब ऑल आर इन्वाइटेड, उसमें कोई एडवांस नहीं होगा. जो इलास्टिसिटी चल रहा है टू स्पीड अप द कोर्स, ऑब्जेक्टिव शीट्स को क्लास के अंदर डिस्कस करने के बजाय हम एक्स्ट्रा में ही डिस्कस करेंगे. मैंने करवा तो दिया, आपको होमवर्क दूंगा, जैसे आज सुबह ग्रेविटेशन के डाउट्स लिए थे, बस वो डाउट्स ले लेके मैं सारा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा. ठीक है ना, तो मे बी ऑन फ्राइडे सेशन होगा सुबह, तो स्कूल द्वारा देख लेना जैसे भी होगा. सुबह रखें 8-9 बजे रखेंगे, 9 बजे. क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो शुरू करें. इसकी कैटेगराइजेशन इस तरीके से करते हैं. सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, ये आपने हेडिंग डाल दी ना सारी, मुझे याद दिलाते रहना. ठीक है, सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर जैसे वो आपको रिंग दे देगा, रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने है? mr², तो टेंजेंट के अबाउट कितना होगा, ये कितने है? आर. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? mr² + mr², क्योंकि h की वैल्यू इसमें कितनी है? r. तो mr² + mr², दिस विल गिव 2 mr². ठीक, रिंग है, रिंग का सेंटर के अबाउट mr² है, तो डायमीटर के अबाउट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 mr². डायमीटर के अलॉन्ग याद रखना वैल्यू क्या हो जाती है स्ट्रेट वे? 1/2 हो जाती है, तो 1/2 mr². और अगर मैं एक्सिस यहां दूंगा टेंजेंट, जो डायमीटर के अबाउट टेंजेंट है, तो ऑब्वियसली 1/2 mr² तो आंसर होगा ही होगा, प्लस इनके बीच में डिस्टेंस कितने है? आर, प्लस mr² भी होगा, तो आंसर कितना होगा? 3/2 mr². कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो ये डायमीटर के अबाउट 1/2 mr² और इसके अबाउट 1/2 mr² + mr². ठीक है यहां तक? जैसे रॉड है, एक स्टिक है या रॉड है, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट mL² / 12, तो इस एक्सिस के अबाउट क्योंकि ये डिस्टेंस L/2 है, तो mL² / 12 तो होगा ही होगा, प्लस m × L/2 का होल स्क्वायर, जो कि सॉल्व करके कितना आएगा? mL² / 3. तो टेंजेंट के अबाउट आपने सुना होगा mL² / 3. ठीक, और क्योंकि ये थिन रॉड है, तो थिन रॉड का इस एक्सिस के अबाउट i क्या होता है? 0. ठीक है यहां तक? जैसे क्वेश्चन करवाया था, रॉड्स हैं, थिन रॉड्स हैं, h फॉर्म में है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ये रहा एक्सिस. ठीक, सो इसके अंदर ये l है, सबका मास m और लेंथ l है, ये रॉड नंबर 1 है, ये रॉड नंबर 2 है, ये रॉड नंबर 3 है. तो फर्स्ट रॉड का एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, प्लस सेकेंड रॉड के लिए ये एक्सिस क्या है? टेंजेंट, तो mL² / 3, क्योंकि सेकेंड रॉड के लिए ये एक्सिस क्या माना जाएगा? टेंजेंट, और टेंजेंट के अबाउट आंसर क्या होता है? mL² / 3. ठीक, फर्स्ट रॉड का इस एक्सिस के अबाउट 0, सेकेंड रॉड के लिए टेंजेंट है, थर्ड रॉड का अगर मैं कोई इमेजिनरी एक्सिस यहां लूं तो उसके अबाउट तो इसका 0 होगा, लेकिन हमें तो एक्सिस ये गिवन है, तो भाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इस एक्सिस को इस पे शिफ्ट करें तो आंसर कितना आएगा? 0 + mL²
मतलब जीरो तो होगा ही होगा प्लस एम एल स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 4/3 एम एल स्क्वायर। तो इस तरीके से रॉड के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्फेयर्स हैं, फर्स्ट स्फेयर, सेकेंड स्फेयर, थर्ड स्फेयर, फोर्थ स्फेयर। आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हर स्फेयर का मास एम है और रेडियस आर है, और ये डिस्टेंस स्फेयर के बीच में कितने है, ए है। ठीक, सबसे पहले ये एक्सिस इस स्फेयर के सेंटर से पास कर रहा है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। अब ये एक्सिस इसके भी सेंटर से पास कर रहा है स्फेयर के, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये वाला एक्सिस है, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर इसके डायमीटर के अबाउट, लेकिन हमें एक्सिस कौन सा गिवन है, ये वाला, तो हमें इस एक्सिस को इसके ऊपर शिफ्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इसको इसके ऊपर शिफ्ट करने का मतलब 2/5 एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, साथ में एम ए स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक ठीक है। प्लस इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा इस एक्सिस पे, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 2/5 एम आर स्क्वायर, पर मुझे ये एक्सिस तो लेना नहीं, मेरे को तो इसके ऊपर शिफ्ट करना है, तो अगेन 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक, तो इसका खुद का स्फेयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, इसका भी 2/5 एम आर स्क्वायर, इसका 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, और इसका भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, ऐड कर दो आंसर। तो आइडिया पता लग रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद है हो जाएंगे सॉल्व। अच्छा, समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट जो कैटेगरी थी वो थी टॉर्क। बस मैं टॉर्क के ऊपर रुक जाऊंगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, टॉर्क के ऊपर रुक जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास कितने लोग ट्यूसडे को 7:30 पे आ सकते हैं, आप में से कितने लोग नहीं आ सकते ट्यूसडे शाम को? शाम को वही जो आप क्लास लगाने आते हो एक्स्ट्रा, हाथ खड़ा करना जितने नहीं आ सकते, जो नहीं आ सकते। आप आते तो हो गरिमा, तो एक दिन के लिए और आ जाओ ना ट्यूसडे को, मैं मेरी बात करवा देना घर पे। और तू नहीं आ सकता मोहन, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन है। और नितिन तू क्यों नहीं आता, ऐसा कौन सा काम है? देख लो फिर काम कर लो। देखो ऐसा है, सुनो सुनो सुनो, आप लोगों को इकट्ठा करना बहुत बड़ा टास्क है। मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है कि आप इतने इकट्ठे हो कैसे गए आज, बहुत बड़ी बात है ये, सोचने वाली बात है। मतलब आप, हो सकता है बाकी लोगों की ट्यूशन नहीं होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हर संडे तो नहीं कम से कम हो सकता, मुझे इतना पता है। 50 लोग इकट्ठे हो जाना, मतलब ये तो एक मेरे ख्याल से कई सालों में कई बार दिखता है ऐसा, नॉर्मल रोज रोज नहीं दिखता ऐसा, वो भी दोनों बैचेस में से। तो मेरे को ये है कि अब अगला सेशन अगर मैं संडे को रखता हूँ अगले, इट विल बी टू लेट, गैप पड़ जाएगा, जितना करवाया वो भी उड़ जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका यही होता है कि मोमेंटम को बनाए रखें। या तो ऐसा करते हैं ट्यूसडे को जो आ सकते हैं वो जैसे मैंने बताया, फिर यहीं प्रैक्टिस करवा देंगे आपकी, अगला लेक्चर जो होगा वो उनकी छुट्टी वाले दिन रख लेंगे, और क्या कर सकते हैं, यही हो सकता है। या तो मतलब इकट्ठे होने के लिए आप फिर संडे की वेट करनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है ना? तो कितने लोग नहीं आ सकते ट्यूसडे को, मैं फिर इन जनरल प्रैक्टिस करवा देता हूँ ना। तो थर्सडे को आ सकते हो, ट्यूसडे और थर्सडे, थर्सडे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए सिर्फ, ओनली वन डे,
ट्यूसडे को मत आना चाहे थर्सडे को आ जाना। आ चलो पूछ के बता देना। और थर्सडे फिर कुछ हो नहीं सकता, फिर मेरे को इन जनरल प्रैक्टिस ही करवानी पड़ेगी ट्यूसडे एंड थर्सडे को। नॉर्मल जैसे मैं अभी बता देता हूँ टॉर्क के बारे में, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, फिर उसको अगले सेशन में देख लेंगे और क्या हो सकता है। एक और सेशन लगा देंगे न्यूमेरिकल्स का ऐसा ही संडे को, और संडे को ख़त्म कर देंगे और क्या। ठीक, मेरे को बस ये चिंता है कि अगले संडे को टेस्ट है। टेस्ट नहीं, कल कल नहीं हो सकते, कल छुट्टी, कल जा रहे हो स्कूल? कितने लोग जा रहे हैं? ले रख लो, ठीक है ना। सो अगले संडे को ना एक्चुअल में टेस्ट है, स्लॉट खाली नहीं है, जगह खाली नहीं है मेरे पास। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, 3 बजे तक टेस्ट चलता है, 3 से 5 इंग्लिश की क्लास चलती है यहाँ पे, मेरे पास टाइम ही नहीं है। या तो मॉर्निंग रखूँगा 8 o'clock के आसपास और क्या। चलो देखते हैं फिर, क्लास में डिस्कस करेंगे फिर। अब मेरे को यहाँ पर आ जाओ, डिस्कस करके टाइम बता दो, मैं आ जाऊँगा, मैं फ्री हूँ, मेरी कोई क्लास नहीं। आप मुझे टाइम बता दो सर, इतने बजे इकट्ठे हम आ जाएंगे। सैटरडे को, सैटरडे को मॉर्निंग में, सैटरडे मॉर्निंग ओके है? नहीं ओके, स्कूल जाना है? मैं अपनी मर्जी से SMS फ्लैश कर दूंगा, कोई आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा तो फिर कैमरा तो लगा ही हुआ है, ये आपकी हेल्प कर देगा। अब और कुछ नहीं करता, ये तो बहुत सहारा है हमें, इसके बिना तो पता नहीं क्या होता। तो ये आपकी हेल्प करेगा। टाइप ऑफ न्यूमेरिकल फिर आप ले जाना, पेन ड्राइव में ले जाना, बैठने की जरूरत नहीं है, पेन ड्राइव ले आना, यहाँ से उठा के ले जाना, ठीक है ना। सो टॉर्क के न्यूमेरिकल देख लो। टॉर्क के अंदर जो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है वो डिस्क के ऊपर आता है। कोई डिस्क है या पुली है, पुली के यहाँ वेट लगा हुआ है MG, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी टेंशन T। ये फिक्स्ड है, ये R है। जब ये पुली घूमेगी तो एक इक्वेशन तो MG माइनस T इज इक्वल टू M इंटू A की ही लगेगी। तो टॉर्क की पहली एप्लीकेशन में एक इक्वेशन MG माइनस T इज MA, और दूसरी इक्वेशन इसमें टॉर्क इज इक्वल टू RT साइन 90। टॉर्क क्या होता है? RF साइन 90, तो R इंटू T इंटू साइन 90, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू अल्फा। तो आपने ये दोनों फॉर्मूलाज को इकट्ठे लगाना है, इन दोनों को इक्वेट करना ही करना है, और R इंटू T इज इक्वल टू I इंटू A क्या होता है? R इंटू अल्फा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलेशन होती है, जैसे V इज इक्वल टू R ओमेगा, ऐसी A इज इक्वल टू R अल्फा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? A डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर A डिवाइडेड बाय R, तो यहाँ से T की वैल्यू निकाल लेना, T आ जाएगा A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो MG माइनस T किसके इक्वल था? MA। तो MG माइनस IA बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू MA, MG इज इक्वल टू A I डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस M, A इज इक्वल टू MG I बाय R स्क्वायर प्लस M। मतलब आपको क्वेश्चन में आएगा एक पुली के साथ मास सस्पेंडेड है, नीचे आता जा रहा है, आप क्या बताओगे? उसकी नीचे आने की एक्सेलरेशन। तो नीचे आने की एक्सेलरेशन, और क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात, पुली का मास गिवन होगा, और अगर पुली का मास गिवन होगा टॉर्क से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? पहली प्रॉब्लम समझ में आ रही है सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक। सेकंड के अंदर आपको कुछ ऐसे गिवन होगा कि सपोज आपके पास इंक्लाइंड प्लेन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सेलेरेशन निकालो किसी भी रोलिंग बॉडी की, अभी प्रूव नहीं किया, A इज इक्वल टू G साइन थीटा 1 + K² बाय, तो इसी की तो एप्लीकेशन थी। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? प्रूफ वही, सेम प्रूफ आ जाएगा, टॉर्क इज RF साइन 90, टॉर्क इज इक्वल टू I टाइम्स अल्फा, सेम। थर्ड, सपोज करो आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और लेट अस सपोज कोई पार्टिकल जा रहा है इस तरफ बाय अ फोर्स ऑफ एफ। आपको क्या करना है? आपको इसमें टॉर्क निकालना है, और एक्सिस क्या लेना है? अबाउट ओरिजिन।
और लेट अस सपोज ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है एच एच, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ से ज्वाइन करना है, ये मान लो आर वेक्टर है मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई, तो टॉर्क क्या होता है आर एफ साइन फाई, आर एफ साइन फाई, तो ऑब्वियसली एंगल भी फाई हो जाएगा, और साइन फाई की वैल्यू कितनी है इसमें एच डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसल एच इन टू एफ। तो मैंने एक शॉर्टकट करवाया था, हमने लैडर वाले क्वेश्चन किए थे जो बहुत मुश्किल लगे थे लोगों को, वो बंदा बैठा है लैडर के ऊपर, नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो एक शॉर्टकट करवाया था कि अगर कोई भी फोर्स इधर लग रही है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे है तो टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड एज फोर्स, अगर एक्स एक्सिस में है तो डिस्टेंस कहाँ पे लेना है उसका वाई एक्सिस से लेना है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, इसको कंटिन्यू करते हैं फिर, तो जब आप ट्यूसडे ऑल्टरनेट को बुक्स लेके आओगे तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल्स का पार्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू कर देना। कोई टीचर आपके घर